Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. एक तो आज का शो शुरू करने से पहले माफी, थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज थोड़ी अजीब आ रही होगी। खैर, कोशिश करूंगी कि ठीक लगे, नॉर्मल लगे। अब खटमल आजकल ये बड़ी चर्चा में है और वजह है पेरिस पर इनका हमला। अगले साल यानी कि साल 2024 में पेरिस में होने वाले हैं समर ओलंपिक्स, पर उससे पहले पेरिस के होटल्स, घरों और सिनेमा हॉल्स में बेड बग्स यानी कि खटमलों ने उत्पात मचा दिया है। अब खटमल की समस्या पेरिस तक सीमित नहीं है, ये आपके और हमारे घरों में भी पाए जा सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि आप इन्हें फ्री में अपने घरों में रहने तो देते हैं, पर ये एहसान फरामोश रेंट में आपको देते हैं बीमारियां और एलर्जीज। खटमलों की एक फितरत होती है, इनका खाना होता है आपका खून, यानी ये अपना पेट आपका खून चूस कर भरते हैं। अब एक बार खटमल ने आपको काट लिया तो आपकी सेहत को काफ़ी नुकसान होता है। आज के एपिसोड में जानेंगे खटमल के काटने से क्या होता है, इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं और अगर खटमल ने काट लिया तो क्या करना चाहिए। यह जो कीड़ा है अभी काफी ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। बेड बग खटमल या जिसका कि साइंटिफिक नेम है साइमेक्स लेटिकुलरिस या साइमेक्स हेमिप्टेरिस, यह एक ऐसा बग है जो इंसानों पर या जानवरों पर फीड करता है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के ऊपर अपना भोजन प्राप्त करता है और अक्सर यह डार्क जगहों में छुपने की कोशिश करता है क्योंकि यह रोशनी से बहुत डरता है। तो आपके बिस्तर में, आपके कपड़ों में या जो फर्नीचर के अंदर जो गैप्स होते हैं या जो दीवारों में गैप्स होते हैं वहां पर रहता है और ये उसी के जब आप लेटते हैं तो यह आपको काटता है, आपको बाइट करता है जिसकी वजह से आपको खुजली होती है। अब यह फैलता कैसे है? अक्सर इसके फैलने के दो कारण कहा जाता है, लोकल स्प्रेड, जब ये उस दीवार में से निकलता है और सोते हुए व्यक्ति के बिस्तर पर जाकर उसको काटता है, यह लोकल स्प्रेड हो गया, एक्टिव डिजीज हो गया। या दूसरा होता है फार स्प्रेड, जब ये दूर जाता है, वहां जब आप एक कपड़ों में होता है, आप एक कपड़ों के साथ कहीं दूर चला जाता है और वहां पर जाकर यह फैलता है और लोगों को काटता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से इसका संक्रमण होता है। इसे क्यों कहा गया है कि यह नुकसान देता है? इसके दो कारण है। पहला, आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यह उसको नुकसान देता है। अगर आपके शरीर को, आपकी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षक जो प्रणाली है उसको ठीक रहना है तो आपको एक बढ़िया नींद लेनी पड़ती है, मगर जब आप अक्सर सोते हैं और खटमल आपको काटता है, आपको खुजली होने लगती है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप मानसिक तनाव में जाते हैं जिसके जरिए एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं और आपके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है। दूसरा, इसके काटने से आपको एलर्जिक रिएक्शंस या व्हील्स जैसे नाम की ददोड़े पड़ जाते हैं जिनके अंदर शुरू में खुजली नहीं होती मगर बाद में काफी खुजली आती है और यह 2 से 4 हफ्ते तक लगातार चलती रहती है। तीसरा, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जब आपको खटमल ने काटा और आपको एनाफिलैक्सिस हो गया यानी कि जानलेवा एलर्जी हो गई जिसके लिए अस्पताल में जाना पड़ा और दाखिल भी करना पड़ा, तो यह 2-3 परेशानियां होती हैं इसके काटने से। कहते हैं कि इसके थूक के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी ट्रांसमिट करता है, क्यू फीवर सबसे कॉमन है। हालांकि 40 प्रकार के बैक्टीरिया कहे गए हैं मगर कोई भी अभी तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया कि यह किसी प्रकार से उन्हें करता है। हेपेटाइटिस बी का भी नाम लिया गया, HIV का भी नाम लिया गया मगर कोई साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट नहीं करता कि उनको संक्रमित करता है। तो क्यू फीवर या वॉलबेचिया नाम के 2 कीटाणु हैं जो बुखार पैदा करते हैं जिनको संक्रमित आपको कर सकता है। अब हमें इसे छुटकारा कैसे पाना है? इसके छुटकारा पाने के 2 ही तरीके हैं। पहला, जो आपके बिस्तर हैं, जो आपके कपड़े हैं, इनको 60 डिग्री से ऊपर के तापमान पे उनको धोया जाए। और दूसरा, आजकल जो कॉकरोच के लिए सबसे सिंपल तरीका, जो कॉकरोच के लिए आजकल एक एरोसोलाइज यूज होता है इंसेक्टिसाइड, उससे भी ये मर सकता है। और जिसके काटे का इलाज सिर्फ एक ही होता है कि जब ये आपको काट लेता है और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो एलर्जी की दवाई लीजिए या कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम को उस पर लगाइए। अगर कहीं आपके जो घाव है वो उसको इन्फेक्ट हो जाए तो हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसमें ज्यादा दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, मगर इसके काटने से आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, आपकी रातों की नींद खराब होती है और आपको जगह जगह ददोड़े पड़ेंगे जो निशान बाद में परमानेंट भी रह सकते हैं, इसलिए इसका इलाज करना जरूरी है। खटमलों से बचने के जो उपाय डॉक्टर साहब ने बताए हैं उन्हें जरूर ट्राई करिएगा, बड़े काम के हैं।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। ऐसे में जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी अहम जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे। अब इसी से जुड़ी एक जरूरी बात, क्या ये मशवरा किसी ने आपको भी दिया है कि ज्यादा डिओड्रेंट मत लगाओ ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा? ये बहुत ही आम धारणा है। अगर आप गूगल पर टाइप करें कि क्या डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो आपको बतेरी जानकारी मिलेगी जिसमें से ज्यादातर बिना तर्क बिना सिर पैर की है। यही सवाल हमसे पूछा है ललन टॉप की व्यूअर नम्रता ने। उन्होंने कई लोगों से इस बारे में सुना है और वो चाहती है कि हम एक्सपर्ट से बात करके इसकी सच्चाई बताएं। इस बारे में हमने बात की डॉक्टर जगदीश शिंदे से। उनका कहना है कि कुछ लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि डिओड्रेंट में होते हैं केमिकल्स और ये छिड़का जाता है शरीर या फिर कपड़ों के ऊपर। अब धारणा ये है कि स्किन के संपर्क में आने से ब्रेस्ट के सेल्स को नुकसान पहुंचता है और कैंसर हो जाता है। इस चीज़ को लेकर कई स्टडीज़ भी हुई हैं, पर किसी भी स्टडी में ये साबित नहीं हो पाया है कि ये बात जो है वो सच है। डॉक्टर जगदीश ने ये भी बात साफ की है कि ऐसा नहीं होता है, ये एक मिथक है। ब्रेस्ट कैंसर स्तनों में बनने वाली गांठ के कारण होता है, पर ब्रेस्ट में होने वाली गांठ दो तरह की होती है। एक होती है नॉन कैंसरस, इसको दूध की गांठ भी कहते हैं, और दूसरी होती है कैंसरस गांठ। जब तक हम ब्रेस्ट के कैंसर की जांच नहीं करवाते तब तक बोल नहीं सकते ये कैंसरस गांठ है या फिर सादी गांठ है। इसलिए हर एक गांठ की जांच करवाना बेहद जरूरी है। समझे, अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्का से हेल्थ टिप। जानिए दूध में घी डालकर पीने के फायदे। दूध में ढेर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन, गुड फैट और मिनरल्स होते हैं। इसी तरह के गुड़ घी में भी मौजूद होते हैं। घी भी दूध से ही बनता है और अक्सर हमारी दादी नानी दूध में घी डालकर पीने के लिए देती हैं। उनका मानना होता है कि इससे शरीर में ताकत आएगी। आपको बता दें कि दूध में घी डालकर पीने के वाकई ढेर सारे फायदे होते हैं। इन फायदों के बारे में हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। एक ग्लास गर्म दूध में एक चम्मच घी डालकर पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। दरअसल दूध में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के काफ़ी मात्रा में होता है। और इन विटामिन्स की खासियत है वो ये कि बॉडी को इन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। घी में गुड फैट होता है जिससे विटामिन्स बॉडी में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। दूध में घी डालकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही जोड़ भी मजबूत होते हैं और इनमें लचीलापन आता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करता है। साथ ही घी पेट में एसिड को एक्टिव करता है और पाचन तंत्र की हिफाजत करता है। सुबह घी और दूध पीने से जल्दी भूख नहीं लगती और दिन भर बॉडी में एनर्जी रहती है। रात को दूध में घी डालकर पीने से नींद अच्छी आती है। तो आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।